हेलो दोस्तों, देखिए आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक नई नाश्ता की रेसिपी ले गई है अप्पे। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, अगर जो नहीं जानता तो जान लीजिए इस वीडियो को देख के, और प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ले लिया है मैंने दही, और दही मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरा दही खट्टा नहीं था। अगर आपका दही खट्टा है तो आप थोड़ा सा कम ही ले लीजिए, वरना आपके अप्पे थोड़े से खट्टे हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टेस्टी बनते हैं, खट्टे भी अच्छे लगते हैं। और साथ में डाल दिया है सूजी, और सूजी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, अगर आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, क्योंकि ये इतने टेस्टी बनते हैं कि तुरंत बन के चटपट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाते हैं, सब लोग बहुत खाते हैं इन्हें। तो आप भी इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी वीडियो इसके मत कीजिएगा। और बस इसी तरह से सूजी और दही को अच्छे से रख देंगे फूलने के लिए। तब तक मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची को भी बारीक अच्छे से कट कर लिया है। और आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस देखिए, अभी सूजी को अच्छे से फूलने देते हैं, 10 मिनट का लंच देते हैं इसको, इससे क्या है रेस्ट देंगे ना, तो अच्छे से ये फूल जाएगी, तो हमारे अप्पे भी बहुत ही फूले फूले एकदम टेस्टी बनेंगे बिना इनो बिना सोडा के। तो देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है, तो हमने डाल दिया इसमें मिर्ची, टमाटर, अगर वैसे आप चाहो तो कुछ भी हरी सब्जी डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सर्दी ना सर्दी आती है ना, उस टाइम मटर भी डाल सकते हो, जितनी आप सब्जी खाते हो वो सब डाल सकते हो। और साथ में डाल दिया मैंने नमक और मिर्ची, मिर्ची मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही, अगर आप थोड़ा तीखा खाते हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी मिर्ची डाल सकते हो। साथ में ले लिया मैंने घी, और डाल दी है राई, क्योंकि राई मतलब सरसों बोलते हैं इसको, सरसों डाल दिए चटकने के लिए, क्योंकि घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, सरसों डालने से क्या थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। वैसे मैंने इसकी रेसिपी पहले भी दे चुकी है, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ एक बार और शेयर की जाए, अगर भूल गए हो आप देखना तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो ये देखिए अप्पे को अच्छा बैटर एकदम हो चुका है, बिल्कुल फ्लैपी, बिल्कुल कोई भी सोडा कोई भी इनो का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बैटर हमारा अच्छे से एकदम रेडी है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो फुल देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं ये अप्पे। अगर आपको कोई जल्दबाजी है और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इस तरह से बनाइए, और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इस तरह से टिफ़िन में रख दीजिए तो आपका टिफ़िन भी खाली होके आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं इसको ज़रूर कम से कम हफ्ते में 3-4 बार बना लेती हूँ इस रेसिपी को। तो बस इस तरह से डाल दिए और ढक के रख दिया है 2-3 मिनट के लिए, मीडियम टू लार्ज साइज पर, ठीक है ना, आपको ज़्यादा मतलब फुल करनी गैस ना कम करनी, और बस मीडियम रखनी है। तो बस इसी तरह से ले लीजिए एक, अगर आपके पास इस तरह से लकड़ी ना हो तो आप चक्कू ले लीजिए, वैसे ये लकड़ी इसी अप्पे के सांचे के साथ आती है, अगर आप इसको खरीदेंगे तो ये आपको इसी के साथ मिलेगी। तो देखिए कितने अच्छे से एकदम कलर आ रहा है कि नहीं, और कितने फूल गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। बैटर आप थोड़ा सा कम ही डालना, क्योंकि ये फूलते हैं बिना इनो बिना सोडा के। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और देखिए अलट पलट के मैंने अच्छे से सेक लिया है, अभी थोड़े से कम सेके हैं ना, तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा लाल हो जाने देंगे, तो इससे क्या इनका क्रंच बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्ट लगेगा। अगर आप चाहो तो लाल चटनी या हरी चटनी के साथ भी खा सकते, लेकिन मैं फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है बनाने का, क्योंकि बच्चे हैं तो सॉस से ही अच्छे से खा लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कलर एकदम, और राई के साथ सरसों के साथ बहुत ही प्यारा कलर आया, और आप चाहो तो धनिया वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा कुछ वेजिटेबल वगैरह नहीं खाते, तो मैंने बिल्कुल सिंपल से बनाए हैं, आप चाहो तो कुछ भी सब्जी डाल सकते हो जो आपकी फेवरेट हो। तो देखिए साथ में रख दिया है मैंने टिफ़िन, और टिफ़िन को मैं अच्छे से रख दूँगी इसमें सॉस वगैरह डाल के। तो मैं आपको प्लीज़ फिर से याद दिला दूँगा, अगर मेरी वीडियो आपको वास्तव में पसंद आती है दिल से,
तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि लोग भी देखेंगे अलग अलग रेसिपी को, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस आप लोग भी। तो बस इसी तरह से रख दिए मैंने टिफ़िन में, और बाकी के जो बचे थे वो मैंने बनने के लिए रख दिया, क्योंकि वो खा के भी जाते हैं और ले के भी जाते हैं, उनको ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती। तो इतने मैंने रख दिए बच्चों के लिए और वो बनने के लिए रख दिए, जो बच्चे मेरे खा के जाएंगे एकदम बिल्कुल जाने जाते टाइम। तो बस मैंने जो भी बचा था बैटर वो सारा इसी में रख दिया, जैसे ये बनाए थे ना बस उसी तरह से बना के रख देंगे। और आप अगर थोड़ी देर बाद खाते हो ना तो आप बाहर मत निकालना, इसी में रखे रहने देना सांचे में, इससे क्या है आपके पे एकदम गर्म निकलेंगे, एकदम टेस्ट लगेंगे। अगर आप बाहर निकाल दोगे और थोड़ी देर बाद खा रहे हो तो आपके अप पे ठंडे भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए जो आप पे सिकते जाते हैं उनको मैं अलग हटा देती हूँ, और जो नहीं सिकते उनको अलग पलट करके इनका बस इतना है कि आपको देखना है कि आपके पे बिल्कुल भी जले ना और कच्चे ना रहे, क्योंकि ये सूजी है तो सूजी को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ थोड़े से कच्चे भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि सूजी वैसे कच्ची नहीं रहती। लेकिन आप अपने हिसाब से बनाना, एक दो बार बीच में देख लेना, चलाते रहना, मतलब इधर से उधर पलटोगे ना तो एकदम बढ़िया टेस्टी बनेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज आपको मेरी अप्पे की रेसिपी कैसी लगी, और देखिए कितने अच्छे से बन चुके हैं कि नहीं, एकदम लग रहा है ना टेस्टी। तो वीडियो हो चुकी है मेरी पूरी, ओके बाय।